हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सांस का फूलना या फिर सांस ना प्रॉपरली लिया जाना प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, जो ब्रेथलेसनेस होती है ना, ब्रीदिंग में जो इश्यूज आते हैं प्रेगनेंसी में, ये नॉर्मल होता है। ये 95% वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रॉब्लम होती ही होती है, ठीक है। तो इसमें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है कि सांस नहीं आ रही है प्रॉपर, ठीक है। तो डोंट वरी, इट्स नॉट एन इश्यू, कोई इश्यू नहीं है ये, ठीक है। अब ये होता क्यों है? क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्रीदिंग में, लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब फोर्थ मंथ के ऑनवर्ड्स जो होता है, वेट गेन ज्यादा स्टार्ट हो जाता है होना, ठीक है। तो उस टाइम पे जब यूट्रस एक्सपैंड करता है, यूट्रस जब बढ़ता है, तो क्या होता है कि डायफाग्रम होता है हमारी रिब्स के नीचे, ठीक है, और स्टमक के ऊपर करके आप कह लीजिए। तो यूट्रस जब बड़ा होता है तो उस डायफाग्रम में ना प्रेशर डालता है, जोर डालता है, जिससे कि क्या होता है, जब जोर डालता है तो वो लंग्स को अच्छे से क्या करता है, ब्रीदिंग नहीं करने देता, फूलने नहीं देता, सांस नहीं प्रॉपरली लेने देता। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है, तो उनका लो एचबी होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है, या फिर उनको ऑलरेडी उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, या फिर उनको बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर प्री एक्लेम्जिया भी हम कह देते हैं, वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर उनको किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर उनको डायबिटिक भी वो होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो साथ में साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीजें भी हमें इम्पैक्ट करती ही करती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, आप अपना पंप लीजिए, डॉक्टर से पूछ के गाइडेंस लीजिए उनसे, फिर आप प्रॉपर अपनी साइड बाय साइड जो आपको प्रॉब्लम है उसकी मेडिकेशंस आपने लेनी ही लेनी है, ठीक है, ब्रीदलेसनेस की। अब आप इसको, नेक्स्ट चीज ये होती है कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको काम कर रहे हैं, पॉज ले लीजिए, आपको सांस में प्रॉब्लम आ रही है, रुक जाइए, रेस्ट कर लीजिए, उसी टाइम पे रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। लेट जाइए, लेट नहीं सकते हैं तो आप पिलो कुशन लेके ऐसे थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लीजिए, ठीक है, चेयर पे। और जब भी आपने लेटना है बेड पे, तो आपने क्या करना है, आपने पिलो जरूर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो है, आपका नेक एरिया जो है, ये थोड़ा सा अपर साइड पे रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने खड़े रहना है, अगर आपको सांस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा खड़े रहिए, कोशिश करिए, एक जगह रुक जाइए और फिर ब्रीदिंग करने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपने अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, फ्राइड फूड अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है ना, ये ना एसिडिटी बढ़ाते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जंक फूड और फ्राइड फूड वैसे ही बहुत हैवी हो जाएगा, जब ये हैवीनेस देगा तो बट ऑब्वियस है आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो आप उसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप खाना खाते हैं, कई बार नहीं भी डाइजेस्ट होता है कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स को, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने ध्यान रखना है कि आपने जब भी खाना है अच्छे से उसको च्यू करके खाना है, और ऐसी चीज मत खाइए जिससे एसिडिटी हो, आपको गैस बने, एसिडिटी हो, ठीक है, उसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि आपने एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपने मॉर्निंग में वॉक करनी है और इवनिंग में वॉक करनी है, ठीक है, और आपने क्या करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, लंबे लंबे सांस लेने हैं, जैसे कि अलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, ठीक है। आप वैसे भी नेचुरल कहीं पे भी बैठे हैं, आप वैसे ही लंबे सांस ले लीजिए, ये बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद आपने 2-3 आवर्स तक, एटलीस्ट 2 आवर्स तक लेटिए मत, खाना खा के एकदम से लेटो मत, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। एक तो वैसे ही बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में प्रेगनेंसी में थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है या फिर कुछ भी कह लीजिए, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एकदम से लेटना नहीं, गिव अ गैप ऑफ 2 आवर्स एटलीस्ट, बैठे रहिए, थोड़ा सा चल लीजिए, वॉक कर लीजिए धीरे धीरे घर के अंदर, यही बहुत होता है, ठीक है। बट आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ब्रीदलेसनेस की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में होती है, बट प्रिकॉशंस क्या हैं? अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो उनकी जो बॉडी कह लीजिए, या फिर फिंगर टिप्स कह लीजिए, या फिर लिप्स कह लीजिए, आपको लग रहा है कि वो ब्लूइश हो रहे हैं, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ज्यादा एक्सेस में ब्रीदलेस नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, शरीर एकदम ठंडा हो जा रहा है ना, स्वेटिंग पसीना बहुत एक्सेस में आ रहा है, ठंडे हो जा रहे हैं, थोड़ा सा चक्कर चक्कर भी आ रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि कहीं धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको उस टाइम पे, अगर आपको ब्रीथलेसनेस है, सांस नहीं आ रही है, अगर ऐसी चीजें हों, ऐसे सिम्टम्स हों, तो आप उसी टाइम्स अपने डॉक्टर को कॉल करिए, उनको कॉन्टैक्ट करिए और वहां जाइए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीथलेसनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।